इल्म हम क्यों हासिल करते हैं बेसिकली? ठीक है, बेसिकली हम अपनी दुनिया बनाने के लिए, एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम शायद अपनी दुनिया बनाने के लिए इल्म हासिल करते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए हम एक डिग्री की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं कि पहले हमने 1 क्लास करनी है, फिर 2 करनी है, करते करते वो एक जी फलाने ने इतना पढ़ लिया, हमने भी इतना पढ़ लिया और ये वो। लेकिन आप ये देखें कि इंसान दुनिया में आए और जिसने हमें बनाया उसको ना पहचान सके, दुनिया की हिकमतों को ना पहचान सके, अल्लाह की मसलियतों को ना पहचान सके, तो उसके दुनिया में आने का क्या फायदा? इल्म एक्चुअली इंसान को बताता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इल्म इंसान को बताता है कि तुम्हारे अंदर और जानवर में फर्क क्या है, इसको इल्म कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको बताती होती हूँ अक्सर कि दो तरह के इल्म है ना, एक इल्म नाफे और एक इल्म गैर नाफे। और हम अल्लाह ताला से बार बार दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असालुका इल्म नाफिया। ठीक है, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जिससे मुझे नफा हो। आप लोग मुझे टेस्ट देते हैं, मैं लिखती हूँ नीचे, आप लोगों को दुआ देती हूँ बारकल्लाह फी। ठीक है, कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए, जो है उसमें बरकत अता फरमाए, बारकल्लाह फी। कि आपने मुझे टेस्ट दिया, मैं आपको बारकल्लाह फी या माशाल्लाह बारकल्लाह फी कहती हूँ, ताकि एक तो आप नजर बद से बच रहे हैं और दूसरा अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाल दे, अल्लाह ताला इनको कामयाब कर दे। तो बेसिकली क्या है कि इल्म इंसान को झुकाव सिखाता है। ठीक है, मैं शायद इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करती के सुपर्ब या कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट्स के अंदर तकब्बुर आ जाए। मैं उनको दुआ देती हूँ, ठीक है, बारकल्ला फी, माशाल्लाह तबारकल्ला। ठीक है, और ये असल में वो इल्म है, ये वो लफ्जों का चुनाव है जो शायद मुझे इल्म से पता चला कि अगर मैं अपने स्टूडेंट को दुआ दूंगी, इल्म है ना बेसिकली, तो अगर मैं अपने स्टूडेंट को दुआ दूंगी तो मेरा स्टूडेंट जो है, क्योंकि हदीस में है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो वो अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है, अल्लाह जरूर कबूल करता है। और जब इंसान किसी दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है, पहली बात ये कि अल्लाह, पहली बात ये उसी वक्त आसमान पे वो दुआ उठाई जाती है और साथ जो है फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह इसके लिए भी, यानी कि मैंने आपको दुआ दी और फरिश्ते अल्लाह से कह रहे हैं कि इसको भी उतनी ही बरकत अता फरमा जितनी ये दूसरी के लिए मांग रही है। तो बेटा अब मुझे बताएं कि इल्मे नाफे क्या हुआ है? इल्मे नाफे जो है वो यही चीजें होती हैं कि आप अल्लाह की मसलहतों को पहचान जाते हैं, आप सही इल्म तक पहुंच जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि दुनिया में मैं कौन हूं और मेरा रब क्या है। ठीक है, अक्सर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं तो निकम्मा बंदा हूं, ठीक है, मैं तो कोई इंटेलिजेंट भी नहीं हूं। और आप देखें अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचा दिया, उसमें मेरा क्या कमाल, मैं तो निकम्मा, ये मुझे पता है मैं कितनी निकम्मी हूं, आपको नहीं पता। जो आपके सामने मेरा इमेज बना है वो तो वो है जो मेरे रब ने बनाया, मैं क्या हूँ वो तो मुझे पता है, अंदर की कहानी तो मुझे पता है। ये तो अल्लाह ने ऐब छुपाए हुए हैं तो हम इज्जत वाले हैं, अल्लाह ऐब आया कर दे तो हम इज्जत वाले नहीं हैं। तो बेटा किसी के कहने ना कहने से ना तो कोई इज्जत बनती है ना ही कोई जिल्लत हो जाती है, असल में इज्जत जिल्लत अल्लाह बनाता है। अब ये सारी बातें मुझे कहाँ से पता चली, ये सारी बातें इल्म जो होता है ना, जब इंसान का इल्म शऊर तक पहुंचता है ना, फिर असल में एक कंप्लीट इंसान बनता है, एक अपराइट इंसान बनता है। फिर हम जैसे होते हैं, हम जैसा इल्म हासिल करते हैं, हम वैसा प्रमोट भी करते हैं, हमारी जैसी सोच होती है हम वैसा प्रमोट भी करते हैं। अगर हम, मैं बस एक दफा एक बच्ची आई, उसने मुझे कहा कि मैम पता नहीं कौन से टीचर ने उनको कह दिया कि तुम एमए कर लो, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बिकॉज उनका जो है वे ऑफ परसेप्शन ऐसा ही था, उन्होंने इतना ही इल्म हासिल किया कि शायद एमए इंग्लिश करने से जो है इंसान की किस्मत बदल जाती है। मैं इस चीज पर बिलीव नहीं करती, मेरा इल्म मुझे ये बताता है कि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी, रिस्क अल्लाह देता है। ठीक है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है।
तो बेटा अगर तो आप चाहते हैं, देखें मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एक डिग्री है, मेरे मरने के बाद, इवन मेरे मास्टर्स करने के बाद शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ना हो। अब ये तो मैं टीचिंग करना शुरू हो गई तो वो मास्टर्स की डिग्री काम आ रही है। यकीन जाने अगर मैं टीचिंग ना करती तो शायद मैं ये किताबें अब तक भूल चुकी होती। ये जो इल्म है एक्चुअली, तो उसके बाद जो डिग्री हासिल करने के बाद फिर आपको आगे क्या चीज धक्का देती है, आप कभी सोचिए इस चीज पे। आपने बीए तक पढ़ा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, नहीं होगी। एफए में जो पढ़ा उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन है, नहीं होगी। एक इंजीनियर जब इंजीनियर बनता है ना, उसको उस किताबों में जो पढ़ाया जाता है सिवाय मैकेनिक्स के, उसके आगे कुछ भी काम नहीं आता। ठीक है, आगे वो जाता है वो ऑफिस वर्क कर रहा होता है, एक इंजीनियर ऑफिस वर्क करता है। ठीक है, हालांकि अगर उसने इंजीनियरिंग की है तो उसको तो मैकेनिक्स के अंदर कहीं पे इस तरह की ड्यूटी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो सारे बेचारे कर रहे होते हैं, ये मैकेनिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं बंदे, वो करते हैं ना। असल में इंजीनियर तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो मैंने जो एक चीज परसीव की जिंदगी के अंदर बेटा, वो ये है कि जैसे ही आप डिग्री ले लेते हो ना, आपका बस वो इल्म वहीं तक स्टॉप हो जाता है। उससे आगे जो चलता है ना, वो आपका शऊर चलता है कि आपने इन अल्फाज से, इन किताबों से व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है, आपने क्या सीखा। तो जिंदगी में अगर मैंने कोई बहुत बहुत खूबसूरत किताब देखी जो वाकई फुल ऑफ इल्म है और सारा कुछ है और जो इंसान को बनाती है, बेटा वो कुरान मजीद है। यकीन जाने उसमें बंदे को अल्लाह का पता चलता है, उसमें बंदे को बंदे का पता चलता है। वो किताब अल्लाह ताला खुद कहता है बंदों के लिए लिखी है ना, हुदल्लिन नास, इंसानों के लिए। आप पढ़े तो सही एक दफा उसको, आपको अपने अंदर की कमियां कोताहियां पता चलती हैं। इल्म इंसान को बताता है, अगर तो शऊरी इल्म है तो वो आपको हिदायत दे देगा, सीधे रास्ते पे चलाएगा। हमें बताता है कि मेरे अंदर गलती क्या है और मैंने करेक्शन करनी है, और ये करेक्शन सारी उम्र रहनी है। मैं ये नहीं कह सकती कि आज मैं एकेडमी रन कर रही हूँ तो मेरे अंदर बुराइयां ही नहीं है। ठीक है, अभी भी मुझे करेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये नहीं मैं कह सकती कि आज मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ या मुझे इतना कुछ आता है तो मुझे करेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे पड़ती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, मुझे मैं पढ़ा रही होती हूँ स्टूडेंट्स को, मुझे पिछला भूल जाता है, डेफिनेशन भूल जाती है, अगेन ओपन करती हूँ बुक, याद आता, अच्छा ये था, इस तरह से था। तो करेक्शन की जरूरत पड़ती है ना। तो आपको इल्म झुकाव सिखाता है, आपको इल्म जो है सेल्फ रिस्ट्रेंट सिखाता है, आपको इल्म जो है अपना आप सिखाता है। ठीक है, इसको कहते हैं शऊरी इल्म। ठीक है, जो आपको हिदायत के रास्ते पे चलाता है, इसलिए हम इल्म सीखते हैं। ये डिग्री यहीं पे स्टॉप हो जानी है जिस दिन आपकी आपका मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर होगा। आगे आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपने इन अल्फाज से क्या सीखा, आप खुद फील करें कि मेरे अंदर क्या चेंजेस हैं। रोज अपने आप से पूछा करें कि मेरे अंदर आज क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं होते, मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं होते। उसका आज जो है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हुआ जिसका आज का दिल कल कल के दिन से बेहतर नहीं है। यानी कि हलाकत है हमारे लिए। मैं डिग्रियों पे डिग्रियां पढ़े जा रही हूँ, मैं चैप्टर्स पे चैप्टर्स पढ़े जा रही हूँ, लेकिन मेरी ना तो अल्फाज में बदलाव है, ना मेरे उठने बैठने में बदलाव है, ना मेरी ग्रूमिंग में बदलाव है। तो फिर बदलाव किधर है? फिर तो किताब पढ़ो या ना पढ़ो बराबर हो गया ना। बल्कि शायद वो किताब अगर बदलाव नहीं देगी मुझे, तो मुझे प्राइड देगी, मेरे अंदर तकब्बुर आएगा कि मैं बहुत कुछ हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए बेटा, जिंदगी में डिफरेंट किस्म के लोग देखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 4 लफ्ज क्या सीख जाते हैं, बेशक वो मेरे से ही सीखें या किसी और से सीखें या जो भी है, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया में सारी कामयाबियां मेरी वजह से है। थोड़ा सा कमाना क्या शुरू करते हैं, उनको लगता है कि सारी कामयाबियां मेरी वजह से। और मेरे ख्याल है 70-75-80%, और मैं उनको देख देख के मुझे अफसोस हो रहा होता है कि राई दाना तकब्बुर वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और इतना बड़ा बूस्ट अपने आप को, अपने
आपको इतना बोस्ट कर देना, आउट ऑफ लिमिट हो जाना कि सब कुछ मेरी वजह से, और अगर मेरी वजह से हो तो दुनिया में मेरे से बड़े बड़े जीनियस बैठे हुए, मेरे से बड़े बड़े जीनियस हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे। मेरे पास बहुत मिसाल है, यकीन करें, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और मैं कहती हूँ ये तो मेरे से ज्यादा जीनियस है ये बंदा, अक्सर लोगों को, और मुझे फील होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ इस बंदे के मुकाबले में, लेकिन इज्जत अल्लाह अपनी मर्जी से, पता नहीं कि इसको फिरौन को भी तो बादशाह दे दी थी। तो अगर बंदे को अपनी औकात पता चल जाए ना, तो बंदा तो सजदे से ना उठे, मैं सही बता रही हूँ। तो शायद पहले जो नमाजें पढ़ती थी ना, वो अल्लाह के डर से पढ़ती थी, अब नमाज इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता मेरा रब बड़ा अजीम है, मेरा दिल करता है उसको सजदा करने को, मेरा दिल करता है उसको बार बार याद करने को। जब मुझे याद आती है तो आंसू इस वजह से निकलते हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे रब बड़ा अजीम है, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं, चाहे वो दुनिया है, चाहे वो आखरत है, चाहे वो जन्नत है, चाहे वो कब्र का मैदान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस हशर के मैदान में भी मुझे मेरे रब की रहमत की जरूरत पड़ेगी। ये तो बेटा 2 दिन की दुनिया है, सामान हमने पता नहीं कितना बना लिया है, एक सफर है, 2 दिन का सफर है और सामान बना लिया हमने पता नहीं कितने सालों का। तो इंसान को इल्म जो है ना, वो अपनी औकात बता देता है। अगर मुझे मेरी औकात नहीं पता चली ना, आदमी अभी भी मेरा इल्म नाकिस है, ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल गया ना मेरी औकात क्या है और मेरे रब की औकात क्या है, भाई असल में इल्म यही होता है, वहीं से फिर आपकी एक सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट होती है, वहीं से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, वहीं से आप आगे चलते हैं। और हजरत अली ने फरमाया कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये जहां से मिले इसको ले लो। तो इस वजह से मैंने हर तरह की किताब पढ़ी, ठीक है, ये जो इल्म हासिल करना है ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा है, ठीक है, ये मिरास है, इल्म नबियों की मिरास है, हमने हासिल करना है, फिर चाहे अंग्रेज से क्यों ना सीखें, चाहे यहूदी से क्यों ना सीखें, हर किसी से सीखें, क्योंकि अल्लाह ने इल्म वालों को बुलंदी देनी है। ये तो हदीस में हम पढ़ते हैं कि इल्म वालों को अल्लाह बुलंदी अता फरमाता है। तो ये वो चीजें होती है, ये है बेटा वो इल्म। इल्म डिग्री लेने का नाम नहीं होता, इल्म डिग्री लेके बदतमीजी करने का नाम भी नहीं होता, इल्म डिग्री लेके बूस्ट अप करने का नाम भी नहीं होता। इल्म तो इंसान को इंसान की औकात बता देता है, सही है। तो जब मेरी औकात मुझे जिस दिन पता चल गई, उस दिन मैंने सजदे से नहीं उठना, उस दिन आंसू निकलते हैं फिर बंदे के कि मेरी औकात क्या है और मेरा रब जो है वो कितना सही। ठीक, ये होता बेटा इल्म। असल में आपका टारगेट जो है ना, आप डिग्रियां लें जरूर लें, ठीक है, बेकन एसेस भी पढ़े, आप स्विफ्ट भी पढ़े, लेकिन उसके जो डीप मीनिंग्स है उनको कभी समझें कि इंसान क्या है। जब मुझे और आपको अपने अंदर की केमिस्ट्री पता चल जाएगी ना, मैकेनिज्म पता चल जाएगी कि हम ऐसे बने हैं, तो हम अपने फॉल्ट्स भी ढूंढ लेंगे, और जब मुझे मेरे फॉल्ट्स की का पता चल गया तो मैं उसको करेक्ट भी करूंगी। मुझे पता ही नहीं है मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, मैं उसको कहाँ से करेक्ट करूंगी, मुझे पता ही नहीं है मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, मैं उसको कैसे करेक्ट करूंगी, मुझे अपनी मैकेनिज्म का नहीं पता। अब इल्म आपको क्या सिखाता है? इल्म आपको ये चीज नहीं सिखाता कि आपने अपने आप को करेक्ट करना, सिखाता है ना, हमें करना चाहिए ना, हम कहते हैं ना पहले खुद को सही करो, अपने गिरफ्तार में जाको फिर और। तो हिदायत जिस दिन बेटा मिलती है ना, उस दिन पता चलता है मेरी औकात क्या, उस दिन पता चलता है मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। आपको रोज नजर आता है कि मैं गलत कर रही हूँ, आप रोज अपने आप को सही करते हो, जैसे घर में रोज झाड़ू देने की जरूरत पड़ती है। आपने कभी कहा है मैं महीने में एक दिन झाड़ू दूंगी और बाकी दिन झाड़ू नहीं दूंगी? कभी ऐसे हुआ है? रोज झाड़ू देते हैं, रोज सफाई होती है, रोज बर्तन धुलते हैं, रोज अलमारियां सेट होती है। इसी तरह बेटा दिल की सफाई भी रोज होती है, तस्किया नफ्स भी रोज होता है। तो रोज हमसे खामियां होती है, रोज हमने उसकी सफाई करके सोना होता है कि या अल्लाह आज मुझे माफ कर दे, कल मुझे इन गुनाहों से बचा लेना, आज मुझे पता चलेगा तो कल मैं वो गुनाह नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरा गुनाह क्या है। मैं
मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है जी, बख्शे जाएंगे जी जिस दिन अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो दिल तो मैला हो जाएगा भाई, फिर मैले दिल के साथ अल्लाह के सामने जाएंगे तो किधर के रहेंगे। ठीक है, तो तज़किया नफ्स जो है ना, ये दिल की सफाई, ये डेली बेसिस पे होती है। ये हफ्ता हफ्ते हफ्ता में एक दफा नहीं होता, डेली बेसिस पे। आपको इंग्लिश का लेसन डेली मिलता है, आपके घर की सफाई डेली होती है, बाकी सबसे डेली बात होती है, तो अपने आप से भी डेली बात किया करें रात को सोते वक्त। ठीक है, कि आज मैंने क्या किया, व्हाट इज द आउटपुट, किससे किस तरह से बात की है, किससे ऊंची हो गई थी आवाज, हो सकता है किसी के रवैये की वजह से ही ऊंची हुई हो, लेकिन हुई तो थी ना, हुई तो थी ना। तो एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप को, वो तो बंदा वैसे का वैसे ही है, उसने तो नहीं पता नहीं बदलना है नहीं बदलना, अल्लाह उसको भी हिदायत है, लेकिन मैंने कितना अपने आप को कंट्रोल किया, वहां से पता चलता है कि मेरा इल्म अभी कितने पानी में। ठीक है, तो वो शेर है ना कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह देता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो बातें तो बेटा हमें बड़ी बड़ी आती है, पते हमें सारे सारे कुछ है, अमल से जो है ना हम खाली। ठीक है, अमल से बेघर हुआ इंसान, बना के तकदीर का बहाना, फिर हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, उसकी वजह से ऐसे किया था, फलाने की वजह से ऐसे किया था। ठीक है, गलत भी करते हैं, फिर ब्लेमिंग गेम भी खेलते हैं, फिर हम उसमें तावीलें भी करते हैं, अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, भाई गलती हो गई माफी मांग ले बस बात ही खत्म हो जाएगी, किसी किसी का हक है, किसी ने आप पे एहसान किया शुक्रिया कह दें, कौन सिखाता है? या आपको इल्म सिखाता है कि मैंने शुक्रिया कहना है, मैंने सॉरी करना है, मैंने झुकना है? ये बेटा आपको इल्म सिखाता है। एरोगेंस इज नॉट द थिंग कि आप डिग्री लेके आप पता नहीं क्या 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 बन जाते हैं, हम तो अल्लाह ताला बस हमें बचाए इस तरह के अमाल से। तो बाकी ये कि दिस इज इल्म, ठीक है, नॉलेज, नॉलेज इज पावर। आपकी पर्सनैलिटी में अगर ठहराव आ गया, आपके अंदर सब्र आ गया, आपके अंदर इस्तकामत आ गई, आप समझ लें कि अब इल्म अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर अंदर रोज एक जंग चलती है ना, समझ लें अभी जमीर जिंदा है, जिस दिन जंग चलना बंद हो गई ना, उस दिन पता क्यों होगी, क्योंकि आप समझ लेंगे अब मेरा इल्म पूरा हो गया, कामिल हो गया जी, पर उसके बाद हमारा डाउनफॉल स्टार्ट। जिस दिन मैंने कह दिया ना ये एकेडमी मेरी वजह से रन हो रही है, उस दिन मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैंने कभी कहा ही नहीं, चल रही अल्लाह की वजह से रही है, मैं तो कहती हूँ इस एकेडमी पे अल्लाह का हाथ है, मेरे पे अल्लाह का हाथ है। ठीक है, अदरवाइज अंदाजा करें कि एक बंदा तकलीफ में पढ़ा रहा हो और उसकी आवाज में इतनी खनक पैदा हो जाए, उसकी आवाज में इतना वजन पैदा हो जाए कि स्टूडेंट्स को समझ आने लग जाए, मैं तो रोज ये सोच सोच के ही मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसी ऐसी इनबॉक्सेस कर देते हैं कि मैं कहती हूँ या अल्लाह मैं किधर जाऊं, इतने प्यारे उनके मैसेजेस आए हुए होते हैं, मैम हम बदल गए, हमने नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, हमने ये कर दिया, हमने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस उनके आए हुए होते हैं कि फिर अल्लाह ही याद आता बंदे को कि मेरे अंदर है क्या, है क्या। वो वजन भी जो पैदा है ना इस आवाज में, वो अल्लाह ने पैदा किया। और एक और चीज मैंने बड़ी प्यारी रिसेंटली पढ़ी के जब इंसान जबान से बात करता है ना तो कान सुनते हैं, ठीक है, जब वो दिल से बात करता है तो दिल में उतरती है, और जब वो रूह से बात करता है तो रूह में उतरती है। तो बेटा जब मैंने ऑन करूंगी तो मेरी रूह बोलेगी ना, जब मैं ऑन ही नहीं करती तो मेरी रूह ने क्या बोलना है। इस वजह से जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो रूह से बात करते हैं, वो अंदर से बात करते हैं, उनकी बाद में अल्लाह वजन डाल देता है। जबान से बात करें तो कान सुनते हैं, ठीक है, दिल से बात करें तो दिल में उतरती है, और रूह से बात करें तो रूह में उतरती है। समझ रहे हो बात, ये भी इल्म है। तो इल्म खाली मास्टर्स कर लेना नहीं है बेटा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा।
हमने आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मतलब आप यही देख लें कि वो रश किया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पे कि जिसको अल्लाह दौलत दे और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और जिसको अल्लाह इल्म दे और उसको वो अल्लाह के रास्ते पर लगा दे, ऐसे लोगों पे रश है ना। तो वाई नॉट हम इतना इल्म हासिल करें, इतना इल्म हासिल करें, फिर फैलाते जाएं, फिर हासिल करें, फिर देते जाएं, फिर हासिल करें, फिर देते जाएं। तो अगर ऐसे लोगों पे रश है तो हम उन लोगों में क्यों नहीं? रश बेटा हमें इंग्लिश करने वालों पे नहीं होना चाहिए, रश ऐसे लोगों पे होना चाहिए जिस पे नबी पाक सल्लम ने रश। ठीक है, तो जो लोग मास्टर्स को सब कुछ समझ लेते हैं वो मास्टर्स तक आके रुक जाते हैं, जो एमफिल को सब कुछ समझ लेते हैं वो एमफिल को जो है आके रुक जाते हैं वहां पे, आगे फिर उनकी जिंदगी जीरो जीरो हो जाती है, डेड हो जाती है। लेकिन जिंदगी के टारगेट्स बेटा कुछ और होने चाहिए। ये हमें इल्म सिखाता, ये आपको इल्म बताएगा, आपका इल्म जिस लिमिट का है ना वो आपको वहां तक ले जाएगा। अगर आपका इल्म मास्टर्स तक का है वो आपको वहीं तक लेके रहेगा। अगर एक इंसान का इल्म ये है कि मैंने अपने बच्चों की बस शादियां करनी है, या अल्लाह बस इतनी जिंदगी देते हैं बच्चों की शादियां हो जाए, वो जैसे ही बच्चों की शादी होती है पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, किसी को पैरालाइज हो जाता है कोई, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। आप देखिए पहले ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, जैसे ही सारे बच्चों की शादियां होती हैं उन्हें लगता है लो भाई अब तो सारा बस खत्म होगी जी जिंदगी, अब हम क्या करें, बच्चों के इंतजार में बैठे, बिकॉज उनका इल्म वहीं तक ही था, उन्होंने उससे आगे की नहीं सोची थी। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है बच्चों की शादियां करने के अलावा, मास्टर्स करने के अलावा, और भी बड़ी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। ठीक है, असल में ये जो बच्चे ये हमारी औलाद है इन्होंने हमें थोड़ी संभालना होता है, हमें एंड में भी अल्लाह ने ही संभालना है। ठीक है, लेकिन बस वो एक सोच है हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर गई है। ठीक, अच्छा जी, अफादियत किसी को अपने फायदे के लिए यूज करना है, ठीक है मैम, व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटेरियन? अफादियत को कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच कहते हैं किसी चीज से फायदा उठाना। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने कहा था वर्ल्डली विजडम से रिलेटेड था, बिल्कुल ऐसे ही है मैम। कल ड्यूरिंग लेक्चर व्हाई बेकन प्रोस्टाइल एफोरिस्टिक, बेटा एफोरिस्टिक इसी वजह से था ना, उसके वर्ल्डली विजडम से रिलेटेड था ना एफोरिज्म जो है। अच्छा, एफोरिज्म ना बेसिकली प्रोवर्ब्स को भी कहते हैं, यानी कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, प्रोवर्बियल अप्रोच होना, ठीक है, उसको भी कहते हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू राइटर आता है, तो क्या टू एजेस जैसे ऑगस्टिन एज और एज रेनेसेंस हैं, तो क्या इनकी ट्रेड्स को कंपेयर करने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं? नहीं, दो एजेस के कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं आते, क्योंकि एक राइटर एक ही एज से ताल्लुक रखता है, दो एजेस से ताल्लुक थोड़ी रखता है। ठीक है, आसमा शेख जो है वो जी गोल्डन एज से भी ताल्लुक रखती है, ऐसा थोड़ी हो सकता भाई। ठीक है, तो एक राइटर एक ही एज से ताल्लुक रखता है, सही। और मैम, इस मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हीकल स्टाइल एफोरिस्टिक एंड डिटेरिंग, अच्छा मेजर डिफरेंस देखिए, एफोरिज्म तो आप देखिए ना प्रोवर्बियल अप्रोच होगी, प्रोवर्ब्स टिट जैसे मैंने आपको बताया, टिट फॉर टैट और हिकमत की हिकमत आमोज बातों को, ठीक है, जिसे हम वर्ल्डली विजडम भी कह सकते हैं। रिटोरिक मीन के किसी चीज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इतना ज्यादा एम्फेसिस करो कि आप या तो रिटोरिकल क्वेश्चंस करना शुरू करो, रिपीटेड क्वेश्चन करना शुरू करो, या उस सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये रिटोरिक है। ठीक है, तो रिटोरिक में भी एम्फेसिस होता है, तो एफोरिस्टिक इज अ डिफरेंट अप्रोच, उसमें हम वर्ल्डली विजडम को देखेंगे, लेकिन रिटोरिक इज कि अगर मैंने किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करना है तो मैं मेरी फिर वो रिटोरिकल अप्रोच है कि एम्फेसिस ऑन सम पॉइंट, और उसके लिए या तो मैं जनरली क्वेश्चन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेकन की आप कुछ देखेंगे, पहले वो क्वेश्चन करता फिर वो आंसर करता है, इसी तरह वो जो एंटीथीसिस वाला आप कल स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे एंटीथीसिस क्या होता है, तो उसमें भी बेसिकली क्या होता है, मवाजना है ना बेसिक, तो उसमें भी क्या होता है कि एम्फेसिस किया जाता है किसी पॉइंट के ऊपर। हाँ जी हमारा